अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद और आप देख रहे हैं फूड किंग शेफ हम्माद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैरियत से। तो आज हम अफ्तार स्पेशल आलू के पकोड़े की रेसिपी लेकर आए। ये तो सभी की फेवरेट होती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। उसके लिए मैंने एक कप बेसन ले लिए और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू ले थे जिसे मैंने इस स्लाइस में काट लिए। देखें बिल्कुल इस बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिए नाइफ से। अजवाइन लेंगे 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और यहाँ हम नमक लेंगे 1 टीस्पून और पानी लेंगे एक कप। जितना पानी लगेगा फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते। बेसन में सबसे पहले मैं डालूँगा ज़ीरा, बेकिंग सोडा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगा सारे मसालों को बेसन में अच्छी तरीके से और पानी डालता जाऊँगा। इसकी एक स्लरी बना लेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। ये देखें बेटर हमारा ऐसे होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसमें टोटली एक कप ही पानी लगा था। ये देखें, ये देखिए एक एक स्लाइस पकड़ेंगे, बेसन में कोट करेंगे और डायरेक्टली ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरीके से एक एक सिलाई को डिप करेंगे स्लाइस को बेटर में और डायरेक्ट ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए सारे पकौड़ों को मैंने डाल दिया ऑयल में और अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगा। ये देखें कितने फूले फूले से आलू के पकोड़े हमारे बन रहे हैं। ये देखिए अब मैं इस एक से दो मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, फिर आपसे मिलता है। ये देखिए आलू के पकोड़े हमारे फ्राई हो गए और ये देखिए आलू के पकोड़ों का फाइनल लुक। ये देखिए और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसी तरीके से सारे फ्राई कर लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें सारे आलू के पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। ये देखें कितने फूले फूले और गर्मा गर्म हमारे पकोड़े बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इस रमज़ान में और मुझको फीडबैक दें कि आपके आलू के पकोड़े की रेसिपी कैसी बनी। चीज़ी ड्रम स्टिक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान है। यकीन मानिए जब आप ये एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे, आपका दिल चाहेगा कि ये हम बार बार खाएँ और सब कुछ भूल जाएंगे ये खाकर। उसके ये देखिए मैंने 6 अदद ग्राम के पीस ले लिया मीडियम साइज़ के। ये अगर आप इसे ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 600 ग्राम है। और ये देखिए अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये मैं डालता रहता हूँ वरना आप स्किप कर दें, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और यहाँ हम 1 टीस्पून लेंगे वाइट पेपर। आप इस जगह ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर, लेकिन मैं वाइट पेपर ऐड कर रहा हूँ। और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इस जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो ऐड करूँगा वरना ये मैं फिर हटा दूँगा। और हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टीस्पून और प्याज लेंगे एक मीडियम साइज का जिसे मैंने ऑमलेट कट काट लिया। तो चलिए हम गोश्त को फ्राई कर लेते हैं, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ देखिए चूल्हे पे मैंने वोक रख दिए और ये देखिए ढक्कन हटा देता हूँ और चूल्हे को मीडियम पे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूँगा 1 टीस्पून तेल। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने तेल गरम कर दिया और अब हम पीस को फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सारे पीस मैंने ऐड कर दिए और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ा सा नमक। चुटकी भर मैंने ऐड किया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए, वाइट भी हो तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो गोल्डन टाइप का कलर हो ना उस तरीके से आ जाए। यही 5 से 7 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगा। ये देखिए नीचे से कलर आ चुका है। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था और ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगा 1 कप पानी और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये गोश्त हमारा गल जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसे मैंने 10 मिनट तक पका ली। ये देखिए गोश्त भी हड्डी से हटना भी शुरू हो चुका है। ये देखिए और अब मैं करता हूँ चूल्हे को बंद और इसे एक बोल में निकाल लूँगा। फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ देखिए इसे एक मैंने प्लेट में निकाली और ये देखिए एक मैंने बोल ले लिए। ये देखिए चिकन के एक एक पीस को पकड़ेंगे और इसको मैं इस तरीके से रेशा कर लूँगा। ये देखिए बहुत इजीली हो जा रहा है। बस इसे 50% तक कुक कर दीजिएगा ताकि ये निकलने में इजी रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें सारे गोश्त को मैंने श्रेड कर लिया और ये देखें हड्डी इसे फेंक किया गया नहीं, ये काम किए। इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से मैं सारों को कर लूँगा। फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें सारी हड्डी हटा के मैंने चिकन को श्रेड कर ली। ये देखें और अब मैं इसके अंदर डाल लूँगा 2 मीडियम साइज़ के आलू। इसे मैं हाथों से मैश कर लूँगा। इसे मैंने पहले से ही बॉयल करके छील के ठंडा कर लिया था। ये देखें मैं इस तरीके से हाथ से मेश करके ऐड कर रहा हूँ। ये देखें ये देखें आलू को मैंने अच्छे से मेश करके डाल दिया और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, वाइट पेपर, आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, प्याज, हरा धनिया। और अब हम तमाम मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये देखें मुझे ज़रूरत है तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये देखें मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये देखें एक मैं 1 कप फुल भर के मुजरेला चीज़ मिक्स ले रहा हूँ। पिज़्ज़ा चीज़ आप मुजरेला और चेडर मिक्स पे ले सकते हैं लेकिन यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ का ऐड कर रहा हूँ। और ये देखें एक स्टिक ले लेंगे और ये देखें मिक्सचर उठा लेंगे। आप जितना लेना चाहे ले लीजिएगा लेकिन इस मैंने हिसाब के मुताबिक ले रहा हूँ। ये देखें इसको पहले इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और बीच में ये स्टिक रखेंगे इस तरीके से। ये देखें और इसके बीच में हम रख देंगे पिज़्ज़ा चीज़। ये देखें मैं थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ, आप कम भी रखना चाहे तो कम भी रख सकते हैं। और ये देखें इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। यहाँ मुझे मिक्सचर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और रख दूँगा इस तरीके से। ये बनती इतनी मज़े की, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये देखें एक मैंने बना लिया। ये देखें इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगा फिर आपसे मिलता हूँ। और ये देखें कई क्रेक भी नहीं है। ये देखें सारे ड्रम स्टिक मैंने बना लिया और इसके कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए 2 अदद अंडे, हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स और हसबे ज़रूरत मैदा। अंडों को फेंट लेते हैं। ये देखें अंडे अच्छे से फिट चुके। ये देखें एक ड्रम स्टिक उठाएंगे। ये देखें सबसे पहले इस मैदे का कोट करेंगे, इस तरीके से रोल कर लेंगे इसमें। ये देखिए ये देखिए ये देखिए और अब अंडे का कोट कर लेंगे।
देखिए अंडे का कोट हो चुका है और अब उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स का कोट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक हो चुका है, इसे इस ट्रे में रख देंगे और अब मैं इसी तरीके से सारों की कोटिंग कर लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए सारे ड्रम स्टिक की मैंने कोटिंग कर ली और अब मैं इसे फ्राई करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे और ऑयल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए। देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गरम है और अभी हम एक एक ड्रम स्टिक उठाएँगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डालते जाएंगे, क्योंकि अब ये तो सब कुछ तो इसके अंदर कुक हुआ है, बस हम इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये देखें मैं दो दो करके फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई में जगह नहीं है, पलटते वक्त फिर मुश्किल होगी। और अब मैं इसे शुरू में नहीं चढ़ूँगा क्योंकि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग उतर जाएगी। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसको पलटूंगा, मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगा। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो चुके, ये देखें, और मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूं। ये देखिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, ये देखिए। और अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और अब मैं दूसरा बेस डाल रहा हूँ, और इसे भी उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए सारे ड्रम स्टिक मैंने फ्राई कर लिए, देखिए। और अब मैं आपको अंदर से भी इसका फाइनल लुक दिखा दूँ तोड़ के। ये देखिए कितना चीजी चीजी सा तैयार हुआ है, ये देखिए, ये देखिए कितना चीजी चीजी से तैयार हुआ है, बहुत ही गर्म है और बहुत ही टेस्टी। आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप ये एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि ये हम बार बार बनाएं। ये देखिए कितना चीज़ी चीज़ी सा हमारा तैयार हुआ है। आई होप रोशनी कबाब बनाते या आप इसे कटलेट के लिए, ये कुछ डिफरेंट है और कुछ हटके। उसके लिए मैंने 2 कप चिकन ले ली जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया, आधा किलो था लेकिन बॉईल करने के बाद ये श्रेड करके 2 कप हो गया। और यहाँ हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, कुछ भी नहीं डाले इसके अंदर। और यहाँ हम लेंगे हरा धनिया 2 टीस्पून, बॉईल किए हुए मटर लेंगे 2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च लेंगे जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, 1 गोभी लेंगे 1 कप इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, और गाजर लेंगे 1/2 कप इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, और शिमला मिर्च लेंगे 1/2 कप इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। और यहाँ हम लेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर के लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक मैंने बोल ले लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा आलू और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा मटर बॉयल की हुई। अगर आपको मटर नहीं पसंद तो आप ये स्किप कर दें, और हम इसे मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर से। आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये पोटैटो मैशर नहीं है। इस तरीके से हम बिल्कुल मैश कर लेंगे, ये कुछ डिफरेंट तरीके से ही ये कबाब आप बनाएं। और ये आप टी टाइम में लें, वैसे भी सर्दियों का मौसम है, आप ये बनाएं और इन्जॉय करें, फ्रीज भी कर सकते। ये देखिए आलू और मटर को मैंने मैश कर लिया, और अब मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन। और साथ ही ये डालूंगा हरा धनिया। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। आपको इसमें से कुछ वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगा। ये देखिए और अब मैं इसके अंदर डालूंगा हरी मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, नमक का आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और ये लाल मिर्चों का पाउडर।
और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए और अब हम किटकिट बनाते। ये देखिए अभी हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बनाते वक्त हाथ में नहीं चिपके स्टफिंग, और छोटे छोटे से कटलेट बना लेंगे। ये आप बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें मैं ये इतने इतने साइज के बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, इतने छोटे मीडियम साइज के बना रहा हूँ और रख दूँगा। हाथ में थोड़ा सा ऑयल ऑयल लगा लूँगा और इसी तरीके से मैं बना लूँगा। इस तरीके से अब मैं इसी तरीके से सारे बना बना के रखता जाऊंगा। ये देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए, और यहाँ देखिए यहाँ मैंने हसबे ज़रूरत बारीक वाली सेवैया ली जिसे मैंने हाथ से बिल्कुल तोड़ तोड़ के छोटा कर लिए। और यहाँ हम दो आदद अंडे लेंगे। रशीन कबाब में सेवैयों से ही कोट किया जाता है कबाबों को, दूसरा भी तोड़ लेंगे इसी तरीके से। अंडों को फेंट लेते। ये देखिए कबाब पकड़ेंगे, सबसे पहले अंडे का कोट करेंगे। और फिर ये सेवइयों में कोट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए अब मैं इसी तरीके से सारे कर कोट कर करके रखता जाऊंगा। ये देखिए हमने सारे कबाब की कोटिंग कर ली और हम इसे फ्राई करते। ये देखिए ऑयल मैंने उसी वक्त से रख दिया था जब हम कबाबों की कोटिंग करे थे, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और हम बिस्मिल्लाह करते और कबाब डालना शुरू करते इस तरीके से। थोड़ा फासले फासले में मैं डाल रहा हूँ, और इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। पूरा वीक आप इंजॉय करें टी टाइम में, या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बना के। और अब इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ये कबाब हमारे फ्राई हो गए, हम इसे निकाल लेंगे, इसे एक डिश में निकाल लेंगे तरीके से। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन कबाबों की। ये देखें कैसे झटपट तरीके से रशीन कबाब हमारे तैयार है। और अब मैं आपको एक अंदर से तोड़कर भी दिखाऊंगा कि कैसे। ये देखें अंदर से कैसे अच्छे बने और बहुत ही गर्मा गर्म है। बहुत ही अच्छे बने। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझको बताएं कि आपकी ये रशियन कबाब की रेसिपी कैसी बनी। कर रहा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक, कूल ड्रिंक, गर्मी बहुत है, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। सॉफ्ट नींबू पानी ड्रिंक, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। नींबू पानी ड्रिंक तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत शेयर किया है, लेकिन आज हम कुछ हट के और कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, और यह हमारे पेट के लिए भी ठंडा है। उसके लिए मैंने 2 टीस्पून सौंफ ले लिया, और यहाँ हम 10 से 12 छोटी इलायची लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ हम लेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, और यहाँ हम कुछ गार्निश के लिए लेंगे नींबू। ये देखें यहाँ एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें हम डाल लेंगे 2 टीस्पून सौंफ, और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगा इलायची, और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगा ज़ीरा 1 टीस्पून, और अब मैं इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लूँगा, पीस लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए अब हम इसे पीस लेंगे।
ये देखिए मिसाला हमारा अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में हो चुका है, अच्छे से पीस के आ चुके हैं। रख देते हैं इसको एक साइड में और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ देखिए एक बोल मैंने ले लिए, तो चले शरबत रेडी करते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगा आधा कप पीसी हुई शक्कर। मैं पीसी हुई इसलिए ले लूँ ताकि जल्दी हल हो जाए। ये देखिए इसे मैंने पाउडर कर लिया था घर में, और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगा 4 टेबल स्पून पानी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि ये हल हो जाए। ये देखिए चीनी अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है दूध में, पानी में सॉरी। और अब मैं इसके अंदर वही मिसाला डाल लूँगा जो हमने आपके सामने बनाया था, नींबू पानी के लिए ख़ास 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ। और बाकी आप जब ये मिसाला बच जाए तो आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के सालों साल इंजॉय करें, क्योंकि ये ख़राब तो नहीं होगा वैसे भी। इसे मैंने अच्छे से ये देखे मिक्स कर लिया है। साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल लूँगा 2 टीस्पून लेमन जूस। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये गर्मियों के लिए बेस्ट है, गर्मी बहुत है, आप भी ये बनाएं और इन्जॉय करें। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। और अब मैं इसे डालूँगा, इसमें डालूँगा 2 कप ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि मैं 2 गिलास के लिए बना रहा हूँ तो मेरे लिए 2 कप परफेक्ट। ये देखिए मैं ठंडा पानी ऐड कर रहा हूँ 2 कप। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा। वैसे आप इसके अंदर सोडा भी ऐड कर सकते हैं पानी के जगह। मैंने जो आपके साथ पहले नींबू पानी शेयर की थी तो मैंने इसके अंदर सोडा ही ऐड की थी। इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि हर कोई इसे इंजॉय करे। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो चलिए हम इसे गिलास में सर्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सर्व करने के लिए 2 अदद गिलास ले लिए। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा आइस क्यूब 4 से 5 इसमें डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ठंडा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा ही ऐड कर रहा हूँ, और 4 से 5 इसमें डाल दूंगा। जिस जिसको पीना है वो आ जाए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मिल के पियेंगे। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूंगा 2 नींबू के स्लाइस, 2 इसमें ऐड करूंगा और 2 इसमें। इससे आप लोगों को तो पता है कि मुझे नींबू पानी ड्रिंक बेहद पसंद है, इसलिए मेरी ज़्यादातर रेसिपी इसी की होगी चैनल पे शरबत में। और अब मैं इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून तुप मलंगे, जिसे मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया था 1 टीस्पून डाल के, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा। ये इसकी तासीर ठंडी है, इसे आप गर्मियों में इस्तेमाल करें, ये हमारे पेट के लिए बेस्ट है। और इसकी तासीर बहुत ठंडी है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें गर्मियों में। और अब मैं इसके अंदर वही शरबत ऐड करूँगा जो हमने आपके सामने रेडी किया है, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए ठंडा ठंडा मैं इसे सर्व कर रहा हूँ, और आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मज़े का बनता है। और इस पे भी डाल दूँ, और अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँ इसको भी। तो नींबू पानी ड्रिंक हमारा तैयार है, आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी ये नींबू पानी कूल ड्रिंक की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको सॉफ्ट कूल ड्रिंक नींबू पानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।